स्वागत है आज की एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं जो कि गाइस आपको बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है, डार्क पे यूपीआई ऐप, जो कि गाइस अगर आप यूज करते हो उन्हें तो आपको गाइस यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसा ही ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, इससे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से डार्क पे यूपीआई का ऐप जो है उसे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस आपको मैं ए टू जानकारी देने वाला हूं उन्हें, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए मैं पहले आपको बताते हैं तो इसे गाइस आपको कहां से डाउनलोड करना है, मैं आपको वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। तो फिलहाल में गाइस आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना। जैसे ओपन करिएगा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो अब गाइस आपको क्या करना है, यहां पे अलाउ देना है। जैसे अलाउ पे क्लिक करते हो उसके बाद फिर यहां पे आपके सामने कुछ नया पेज देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे गाइस आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करते हो फिर से अलाउ मांगेगा तो फिर से अलाउ दे दीजिएगा। नंबर आपका सिम वन में, सिम टू में ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद गई यहाँ पे फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे गई आपका मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद गई यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गई देख सकते हो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पे गई डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए मैं बता देते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे गई डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है, ईमेल आईडी फिलअप कर देना है और यहाँ पे गई लास्ट नेम, फर्स्ट नेम आपको इन सभी तो फिलअप करना आता ही होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हो कि यहाँ पे गाइस आपको पासवर्ड क्रिएट करने का रहा है। तो यहाँ पे गाइस आपको चार अंक का यहाँ पे कोई भी डिजिट यहाँ पे क्रिएट कर लेना और वही चार अंक आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो चलिए मैं फाइनली आपको सारा कुछ फिलअप करके आगे की प्रोसेस बता देते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिलअप कर दिया। तो अब गाइस आपको क्या करना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करते हो उसके बाद गाइस फिर से यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है फिर से। तो यहाँ पे गाइस जैसे फिलअप करते हो ने उसके बाद गाइस यहाँ पे जो मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर आपको ओटीपी आएगा, चेक का डिजिट कोड आएगा जो कि गाइस खुद ही वेरीफाई हो जाएगा। तो आप गाइस यहाँ पे वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक शो हो जाते हैं जैसे कि गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है ना उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इसको सिलेक्ट करते होने उसके बाद गाइस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आपका होम पेज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस अब देख सकते हो आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो आपका शो हो जाएगा जो भी बैंक को यहाँ पे ऐड करोगे। अगर गाइस आप यहाँ पे न्यू यूपीआई पिन क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गई आपको क्लिक कर देना थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे गई जैसे क्लिक करोगे ना उसके बाद नीचे में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो रिसेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एटीएम कार्ड का नंबर और यहाँ पे वैलिडिटी मांगा, तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद गई यहाँ पे आपका यूपीआई पिन न्यू फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिलहाल में गई मैं यहाँ पे चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा था। तो यहाँ पे गई ऐड कर लेने के बाद गई यहाँ पे अब आप ऑनलाइन पैसे को लेन देन कर सकते हो। जैसे कि गई मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ से गई आप किसी भी फीचर का आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे कि डीटीएच रिचार्ज, गैस पेमेंट या फिर गई मोबाइल रिचार्ज या फिर गई आप यहाँ पे किसी के पास स्कैनर के द्वारा पेमेंट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि गई यहाँ पे जैसे स्कैनर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे गई देख सकते हो स्कैन करने का ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना। मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको और भी बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल में गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।